तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय युवा शेरों ने किया जिम्बाब्वे को पस्त। तो भैया पहला टी20 मुकाबला जो हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के खिलाफ, वहां पर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने तो चमत्कार किया, लेकिन उसके बाद जो दो टी20 मुकाबले हुए वहां पर दिख गया कि असली शेर कौन है, चैंपियन टी20 वर्ल्ड कप की कौन है। यहां पर हमारे युवा शेर आए थे, हमारे आईपीएल के शेर आए थे, लेकिन वो पहले टी20 मुकाबले के बाद लगातार दो मुकाबलों में दहाड़ते हुए नजर आए हैं। ये दिखाया है कि भारतीय देश में टैलेंट पूल की भरमार है। ये जो नए युवा पीढ़ी के हमारे खिलाड़ी हैं वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, वो अब विश्व पटल पर अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार हैं। रोहित, विराट और जडेजा के बाद ऐसा गैप नहीं आएगा और हमारे युवा खिलाड़ी काफी प्रतिभावान हैं, हमारे युवा खिलाड़ी टी20 क्रिकेट को काफी आगे ले जाने वाले हैं। आज के मुकाबले की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर वहां पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा हमारे बल्लेबाजों को, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, उनको जिम्बाब्वे की लचर फील्डिंग का फायदा मिला जिस कारण से एबव पार स्कोर भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पे बना पाई। शुभमन गिल का बेहतरीन अर्धशतक आया, ऋतुराज गायकवाड़ ने प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी से, दिखाया कि स्पिन के वो कितने सुदृढ़, कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं। और ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल की बदौलत भारतीय टीम एबव पार स्कोर बना पाई, जिम्बाब्वे की फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम एबव पार स्कोर बना पाई। काफी कैचेज छूटे, काफी बाउंड्रीज छोड़ी गई, हाथ में पकड़ने वाली गेंदें बाउंड्री पार पहुंचाई गई जिम्बाब्वे फील्डर्स द्वारा, जिसको जिम्बाब्वे कप्तान ने एडमिट भी किया मुकाबले के बाद। तो 20 ओवर में 182 रन बनाती है भारतीय टीम 4 विकेटों के नुकसान पर। उनके तरफ से शुभमन गिल 66 रनों का योगदान देते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ 49 रनों का, लेकिन एक फेरबदल भी किया जाता है। यशस्वी जायसवाल आते हैं, वहां पर अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर खिलाया जाता है और पिछले मुकाबले के जो हीरो थे हमारे वो जीरो साबित होते हैं, क्योंकि उनके बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जवाब में जब जिम्बाब्वे टीम चेंज करने आई तो एकदम से धाराशाही हो गई, बिल्कुल इच्छित हो गई। वाशिंगटन सुंदर का जवाब किसी भी जिम्बाब्वियन बल्लेबाज के पास नहीं था, 3 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने झटका और लगभग शुरू के 10 ओवर में मुकाबला खत्म हो गया था, लेकिन मेयर्स की साहसिक अर्धशतकीय पारी के बदौलत जिम्बाब्वे लास्ट में मुकाबले में आई, लेकिन तब तक मुकाबला खत्म हो चुका था, तब तक भारत कब्जा जमा चुका था। मेयर्स बनाते हैं 65 रन, उनके अलावा मडांडे बनाते हैं 37, वेलिंगटन मस्कदाजा बनाते हैं 18 और पूरी की पूरी टीम 159 रन बना पाती है। भारतीय टीम 23 रनों से ये मुकाबला जीत जाती है, 2-1 से श्रृंखला वो आगे हो जाते हैं श्रृंखला में। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो सुंदर की बेहतरीन गेंदबाजी होती है 4 ओवर में 15 पे 3, और इस पूरे श्रृंखला में वाशिंगटन सुंदर ने इम्प्रेस किया, बेहतरीन गेंदबाजी की है, इम्प्रेस किया है। और जो अब स्पॉट खाली हुआ है रविंद्र जडेजा का, वो स्पॉट लेने के लिए वाशिंगटन सुंदर पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। आवेश खान 2 विकेट, 1 विकेट खालिद अहमद, इस तरीके का पूरा लेखा जोखा रहता है इस मुकाबले का। भारतीय टीम में मुकाबला 23 रनों से जीत जाती है और 2-1 से श्रृंखला में आगे हैं। जिम्बाब्वे की फील्डिंग काफी लचर रही है, जिम्बाब्वे को अपनी फील्डिंग पर काफी ध्यान देना होगा। वहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर से निखरी है, भारतीय टीम की गेंदबाजी स्पॉट ऑन हर मुकाबले में रही है, आज के मुकाबले में भी हमें वही देखने को मिला है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।